और जो भी अब हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, अगर हम रोड पे बैठेंगे तो सरकार को रोड पे आना पड़ेगा। अब सरकार के पास जाने का समय नहीं है। बूंदी जिले के हिंडोली गंगरावल महाराज के स्थान पर आज गुर्जर समाज की विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़े लोगों ने एसडीएम को मौके पर बुलाकर ज्ञापन के माध्यम से मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। उसके बाद एसडीएम मुकेश चौधरी, डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई और बाकी प्रशासन गंगरावल महाराज के स्थान पर पहुंचा, जहां समाज से जुड़े लोगों ने गुर्जर महासभा जिलाध्यक्ष बालू सिंह कसाना के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। गुर्जर समाज के सभी लोगों ने कहा कि अगर दो दिन में सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। इससे पहले समाज से जुड़े लोगों ने गंगरावल महाराज स्थान पर समाज की विशाल बैठक बुलाई, जहां बारी बारी से समाज से जुड़े प्रमुख लोगों ने गुर्जर समाज पर हो रहे अत्याचार के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान गुर्जर महासभा जिलाध्यक्ष बालू सिंह कसाना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज मीटिंग रखी गई, समिति द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि एसडीएम साहब को बुलाकर तीन दिन का नोटिस देंगे और तीन दिन के बाद में रास्ता झाड़, और यही नहीं गंगरावल जी महाराज जी ने बिजोलिया घटी और गई नैनवा में तो हो ही गया, बूंदी जिले को पूरी तरह से चौक कर दिया। जब तक और जब चाहे एक ही रास्ता रोको, ये प्रण लेके उठेंगे कि जब तक बैसला साहब नहीं उठते तब तक नहीं उठेंगे, वरना रोड जाम करेंगे ही नहीं।